यूएस आने से पहले मैं कभी पाकिस्तानी लोगों से नहीं मिला था मुझे लगता था कि पाकिस्तानी जो होंगे भी यूएस में वो अरेबिक लोगों के जैसे होंगे उनके जैसे बात करेंगे और उनके ही ग्रुप में होंगे मुझे लगा कि पाकिस्तानी लोग करते होंगे उई तुम क्या करती ये उई जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वैसा लगता था मुझे चैतन्य सिंहड़ा फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन

एक ने कहा मेरे पापा मम्मी कराची से हैं दूसरे ने कहा कि मेरे पापा मम्मी लाहौर से हैं वो सबके सब, सब पाकिस्तानी थे मैं बस एक अकेला इंडियन था वहां पर उसके बाद जब तक मैं प्रोफेसर नहीं बन गया तब तक मेरा पाकिस्तानी लोगों के साथ इंटरेक्शन लिमिटेड था तब मैंने एक बात समझी कि जब आपको कोई रस्ते पर चलते हुए दिख रहा होगा तो वो आपके लिए सिर्फ इंसान है वो आपके लिए सिर्फ एक बॉडी है इंसान की बॉडी चलते हुए जा रही है जब आप उसको जानते हैं कि ये कौन है फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल अगर आपके कोई टीचर जा रहे हैं तब आप उस बॉडी को एक आइडेंटिटी भी दे देते हैं कि ये इंसान है और ये मेरा टीचर है उसका अगला लेवल आता है जब आप किसी को पर्सनली जानते हैं उनके बारे में जानते हैं उनसे घुलते मिलते हैं तब वो कहाँ से हैं किस एक्सेट में बात करते हैं वो सारी चीज़ें डिसपियर हो जाती हैं और आपका इंडिविजुअल कनेक्शन बन जाता है उनके साथ तब आपको ये नहीं दिखता कि वो बंगाली है कि दिल्ली से है कि पाकिस्तान से है कि श्रीलंका से है कि बांग्लादेश से है और एज ए स्टूडेंट मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या नोटिस की पता है आपको मैंने ये नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया के दिल्ली के पंजाब के ऐसे स्टेट्स के लोगों को पाकिस्तानी लड़कों से जो लाहौर इस्लामाबाद ऐसे एरियाज़ थे उनके साथ ईजिली फ्रेंडशिप हो जाती थी जबकि उड़ीसा और बंगाल के लोगों की बांग्लादेशियों के साथ ईजिली दोस्ती हो जाती थी और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो दिल्ली के लोग थे उनके आंध्रा या तमिलनाडु या केरला के लोगों से उस तरह का कनेक्शन नहीं बन रहा था जिनका उनका पाकिस्तानियों के साथ बन रहा था वो लोग आपस में मस्ती करते थे घूमने जाते थे और स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते थे तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंट्री और रिलीजन से उतना कनेक्शन नहीं बनता जितना आपस के लैंग्वेज और कल्चर से बनता है इंडियन पंजाब के लोग और पाकिस्तानी पंजाब के लोग बहुत सिमिलर हैं उस तरह इंडियन बंगाल त्रिपुरा के लोग बांग्लादेशी लोगों से बहुत सिमिलर हैं और बिकॉज उनका लैंग्वेज कल्चरल सिमिलैरिटी खाना इतना मिलता जुलता है उनका कनेक्शन ईजीली बन जाता है और मुझे सरप्राइज तो तब हुआ जब बांग्लादेशी हिंदी में बात कर रहे थे तो मैंने पूछा कि यार तुम तो बंगला बोलते हो तुम्हें हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है उन्होंने कहा कि हम टीवी मूवीज़ देखते हैं हमें पता है हमें लैंग्वेज आती है मैंने तो ये सोचा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हैं उसी तरह के टेंशंस इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के बीच में होंगी जो यूएस और कनाडा ऐसे एरियाज में रहते हैं और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कोई बिटरनेस नहीं कुछ नहीं आपस में तो ऐसे मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप कहाँ से हो इंडिया के पाकिस्तान के बांग्लादेश के श्रीलंका से तो जब मैंने ये समझा कि ऐसा इसलिए है कि जो बिटरनेस जो थी पार्टीशन के टाइम पर उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब जा चुके हैं जो भी टेंशनस हैं उनके लिए आज की जनरेशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है 99.99 परसेंट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स दैट द फोर फादर्स मेड चूँकि हम लोग उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे हमारे कोई बिटर मेमोरीज भी नहीं है 99 परसेंट से ज़्यादा तो ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की जिनके फोर फादर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास भी नहीं थे तो उनके दादा परदादा ने भी पार्टीशन नहीं देखा था इसीलिए जब हम एट द लेवल ऑफ कंट्री सोचते हैं तब इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा टेंशन आ जाता है लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो कोई टेंशन नहीं होते इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही लोग है कोई डिफरेंस ही नहीं है अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हो तो आपको डिफरेंस लगेगा लेकिन यूएस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता देखिए जब मैं ओहायो में प्रोफेसर था तब मुझ पर एक दिन बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था दो की बात है जब उरी में अटैक हुआ था और पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आ गए थे और उन्होंने सोते हुए जवानों पर गोली चला के उन्हें मार दिया था हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे और पूरे भारत में बहुत गुस्सा फैल गया था नेचुरली मुझे भी बहुत दुख हुआ और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और मुझे भी पाकिस्तान से बहुत नाराजगी थी और उस टाइम पर मैं डेटा क्लास पढ़ा रहा था और मेरी क्लास में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था जो कि पूरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था जब भी मेरे ऑफिस में मिलने आता था उसके लैपटॉप पर पाकिस्तानी फ्लैग हुआ करता था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मेरे सामने बैठा है तो यहाँ पर यहाँ पे उसका पाकिस्तान का फ्लैग होता था उससे बातचीत करते हुए मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि तुम माययामी यूनिवर्सिटी ही क्यों आए कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए मैंने ये भी पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है आपके घर वाले क्या करते हैं उसने बताया कि मेरे पापा पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं मुझ में उस बात का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का भी बेटा हो सकता है दुकानदार का बेटा हो सकता है बैंकर का बेटा हो सकता है किसी का भी लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर स्टूडेंट था और बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता था उडी अटैक के दो दिन बाद उस स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया अपॉइंटमेंट मांगने के लिए कि मैं उसके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूं और मैं चक्कर में पड़ गया एक पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों ने जिन्होंने हमारे जवानों को मारा उनका बेटा मुझसे हेल्प मांग रहा है अब क्या करूँगा मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ इतना अच्छा स्टूडेंट है ही डिजर्व स्कॉलरशिप वो मुझसे इज्जत से लेटर मांग रहा है वो सपोर्ट मांग रहा है मुझसे और मैं उसको सपोर्ट करूँ या लेकिन उसके पिताजी जिस आर्मी में हैं उसी आर्मी ने मेरे देश के खिलाफ काम किया है मैं इस बात को देखूं इस वजह से बहुत असमंजस में पड़ गया कि क्या किया जाए गीता की कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो यह युद्ध भूमि है तुम यहाँ पर योद्धा हो नपुंसकता को मत प्राप्त हो युद्ध भूमि में योद्धा युद्ध करता है तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है तब यही लॉजिक मैंने अपने किस में अप्लाई किया वो एज अ स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से मिलने आया था वो युद्धभूमि में मुझसे नहीं मिल रहा था और जब वो मेरे सामने था तब मैं उसके सामने टीचर के रूप में बैठा था और एंड बीइंग अ प्रोफेसर ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो इंडियन हो पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो फ्रेंच हो जर्मन हो रशियन हो अमेरिकन हो कोई भी हो भले वो पंजाबी हो केरला का हो गोरा हो काला हो चाइनीस हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये बात जब मुझे स्ट्राइक की मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ गई मैंने ऐसा सोचा भी क्यों कि मुझे किसी स्टूडेंट को हेल्प नहीं करनी चाहिए अगर वो मेरा स्टूडेंट है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी जो हेल्प बन सके मैं करूं। इस तरह मैंने उसके लिए एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन लेटर लिखा उसको स्कॉलरशिप मिल गई वो 4.0 पॉइंट से ग्रेजुएट किया है फोर आउट ऑफ फोर इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पाकिस्तानी लोगों से जो भी है मुझे पाकिस्तानी आर्मी से कितनी भी नाराज़गी या शिकायत क्यों ना हो लेकिन जब लोगों की बारी आती है वो हमारे जैसे ही हैं और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उनसे नफरत करने के लिए इनफैक्ट मुझे तो ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आज तक जितने भी पाकिस्तान के लोगों से मिला हूँ उन्होंने बहुत ही प्यार और इज्जत से ही ट्रीट किया है मुझे लेकिन वो लोग हमारी कंट्री के खिलाफ भी बोलते हैं देखिए वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे जिस तरह मैं इंडिया के सपोर्ट में रहूँगा वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेगा इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ है या बोलता है तो मुझे शिकायत करने का बिल्कुल हक नहीं है और अगर मैं इंडिया के सपोर्ट में बोलता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नेंस को भी क्रिटिसाइज कर देता हूँ तो पाकिस्तानी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री से है पाकिस्तान के आम लोगों से हमारा कोई अपोजिशन नहीं है लेकिन आजकल पाकिस्तान से कम स्टूडेंट्स आते हैं उनको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है इंडिया से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से उतना मेल नहीं होता है टेक्सास मूव होने के दो हफ्ते बाद ही मैं क्रिकेट गेम खेलने गया था वहां पे मेरी क्रिकेट टीम में सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स से दो लोगों को छोड़कर जो कि मुंबई से थे

मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि इंडियंस और पाकिस्तानी लोग एक ही हैं जब आपस में मिलते हैं ना तो कोई फ़र्क दिखता ही नहीं है उनको अपनी कंट्री में शांति से रहने दो और हम अपनी कंट्री में शांति से रहें और अगर फ्यूचर में कोई टेंशन हो भी जाते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो जाएं पाकिस्तान के अगेंस्ट और बिकॉज हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी इस्टैब्लिश और मिलिट्री के अगेंस्ट हैं और इसी कॉन्टेक्स में जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हुए हैं मुझे उनमें कभी कोई फ़र्क लगा ही नहीं उन सभी को होमवर्क का टेंशन होता है उन सभी को एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लाने होते हैं सभी को अच्छा जॉब चाहिए सभी को अच्छी सैलरी भी चाहिए इसीलिए फ्यूचर में मैं कभी इंडिया के सपोर्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोल भी दूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से पाकिस्तानी लोगों से कोई प्रॉब्लम है हम बस इतना होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में टेंशन कम हो और रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका